आप सबका खुशामदीद है सिंधी रंधने में। आज मैं आपके साथ एग पास्ता की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसमें मैंने 400 ग्राम पास्ता लिया है, उसके बाद 3 eggs, 1 medium size टमाटो, जिंजर गार्लिक चिली सॉस 4 टेबल स्पून, टमाटो केचप 4 टेबल स्पून। इसको मैंने इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं आगे पास्ता बनाने का तरीका आपको दिखाती हूँ। अब ये पानी गर्म हो चुका है पास्ता के लिए, इसमें मैं 1/2 टीस्पून सॉल्ट डालूंगी। इसके बाद मैं इसमें हल्का सा ऑयल डालूंगी 1 टेबल स्पून। उसके बाद अब मैं इसमें पास्ता डालूंगी। उसके बाद इसको हम इस तरीके से घुमाएंगे। अब ये हमारे पास्ता स्लो स्लोली बॉयल होना शुरू हो जाएंगे। ये पास्ता हमारे हल्के लिए बॉयल हो चुके हैं, इसको मैं 5 मिनट और बॉयल करूंगी। ये मैंने 3 अंडे इस बाउल में डाल दिए। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा नमक डालूंगी। उसको फिर हम स्लो स्लोली इस तरीके से बीट करेंगे। और उसके बाद मैंने ये एक कढ़ाई ली है, उसमें ऑयल डाला है। पहले इसमें मैं अंडों को हल्का सा फ्राई करूंगी। उसके बाद हम इस तरीके से इसको स्लो स्लोली हल्का सा फ्राई करेंगे। ये हमारा इस तरीके से स्क्रैम्बल एग बन गया है। अब इसको मैं निकालूंगी। उसके बाद मैंने कढ़ाई ली है, इसमें मैं ऑयल डालूंगी। ऑयल डालने के बाद हमारा ऑयल हल्का सा गर्म हो जाएगा का है। उसके बाद मैं इसमें टमाटर डालूंगी। अब इसमें मैं पहले नमक डालूंगी, सॉल्ट एज पर टेस्ट, उसके बाद क्रश रेड चिली, ब्लैक पेपर पाउडर। उसके बाद उसको अच्छे से फ्राई करेंगे। अब उसके बाद हम इसमें पास्ता डालेंगे। बाद मैं इसमें सॉस डालूंगी। उसके बाद इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे इसमें। पास्ता में सॉस अच्छे से मिक्स हो गई है। उसके बाद जो मैंने एग रखा था उसको मैं अब मिक्स करूंगी। ये हमारे एग पास्ता रेडी हो चुके हैं। ये मेरे एग पास्ता खाने के लिए रेडी हो चुके हैं।
उम्मीद है कि आपको ये एग पास्ता की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। ये रेसिपी आप अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरे चैनल पर फीडबैक दीजिएगा और मेरे चैनल पर बेल आइकन का बटन, सब्सक्राइब का बटन ज़रूर क्लिक कीजिएगा और ये रेसिपी आप अपनों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा।